नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास पे आप लोग का स्वागत है। तहे दिल से स्वागत आई हो कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो भी स्टूडेंट जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी या उसके अफिलेटेड कॉलेज में जो है एलएलबी 3 ईयर्स या एलएलबी 5 ईयर्स में अगर आप लोग जो है प्रेजेंट टाइम में इवेंट सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपको पता होगा ऑलरेडी आप लोगों का डेट शीट आउट हो चुका है। आप लोग देख चुके होंगे, मैंने वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन भी दिया था। अभी आपको जो है डेट शीट नहीं पता है तो आप डेट शीट जो है मुझसे ले सकते हैं, ठीक। प्लस जो है आप लोग का सेंटर लिस्ट भी आ चुका है। आप बच्चे वेट कर रहे हैं कि एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा सर, तो यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। आपको ध्यान से और अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को देखना होगा, मेरी हर एक बातों को सही तरीके से सुनना होगा और जानना होगा, ठीक। प्लस मैं इसमें आप लोगों को एक चीज और बताऊंगा कि अपने सेमेस्टर एग्जाम की किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। छोटा सा शॉर्ट वीडियो है, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत और भी नॉलेज आपको बता के ही जाऊंगा, ठीक। बाकी जो है आप कैसे सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करें प्रॉपर सही तरीके से और अच्छे तरीके से, उस पर एक वीडियो आएगा। आपको जो है करीबन 15 से 20 मिनट उस पर टाइम लेना होगा, ठीक। मैं एक एक पॉइंट करके उस पर समझाऊंगा, ठीक। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, अधिक से लोगों के बीच में शेयर भी करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा या आप मुझसे कॉल करके कॉन्टेक्ट करके डायरेक्ट जो है मुझसे बात भी कर सकते हैं, ठीक। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी टाइम, ठीक। आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा सारी चीजों का, वहां से आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए अब जान लीजिए आप लोगों का एडमिट कार्ड कब तक आएगा। देखिए आप लोगों को बता दूं, जो है आपके एग्जाम जो है जैसे कि जो है सेकेंड सेमेस्टर के हैं, उनका एग्जाम जो है 22 तारीख मतलब 22 जो है मई में, जो है इसी महीने में आप लोगों का एग्जाम है। प्लस जो 4 सेमेस्टर के हैं, 6 सेमेस्टर के, 8 है 10 है, उन लोगों का जो है 24 तारीख से एग्जाम है। तो जिस भी स्टूडेंट का जो है 22 मतलब जो है 22 तारीख से एग्जाम है, उनका एडमिट कार्ड जो है 16 तारीख तक जो है आपका एडमिट कार्ड जो है रिलीज हो जाएगा, ठीक। मतलब जो है 16/4 आप लोगों का जो है 20 और 2 मतलब जो है करीबन 16 मतलब ये कि जो है 16/17 के जो है तारीख तक जो है आप लोगों का जो है एडमिट कार्ड आउट हो जाएगा, उससे जो है पहले नहीं आएगा, ठीक। और उससे जो है आप लोगों का जैसे 16 हुआ 17 हुआ 18 इसी के बीच में आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है आउट हो जाएगा। जैसे ही आउट होगा मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप लोग जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, मेरे साथ जुड़े रहेगा, ठीक। अब जानिए जिस भी स्टूडेंट का जो है आप लोगों का जो है 24 तारीख से एग्जाम है, तो आप सभी लोगों का एडमिट कार्ड जो है कब रिलीज होगा, तो आप सभी लोगों का एडमिट कार्ड जो है 19 तारीख 20 तारीख मतलब जो है 19 और 20 इसी के जो है डेट पर जो है आपका एडमिट कार्ड आउट हो जाएगा। कैसे डाउनलोड करना है ये सब सारी चीजें मैं आपको जो है बताऊंगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक। अब जान लीजिए जो है आप लोग कैसे सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करेंगे, कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा, कैसे पढ़े, कहाँ से उसके नोट्स मिलेंगे, मुझे हिंदी में चाहिए, मुझे इंग्लिश में चाहिए, सर जो है इसके जो है नोट्स नहीं मिल रहे हैं, इसके जो है PDF नहीं मिल रहे हैं, ये सब सारी चीजें कहाँ से मिलेंगी, तो आप सभी लोगों को बता दूं आप लोग सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करें। मेरी गारंटी है आपको पास कराना। मैं हर बार जैसे बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 99% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ और आ भी जाता है, ठीक। आप सभी लोग जो है मेरे ऐप पर जाइएगा, MS क्लासेस नाम का ऐप है, आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाइएगा आप लोग इंस्टॉल करिएगा और आप लोग टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग चाहे 3 ईयर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग जो है 5 ईयर्स के स्टूडेंट हो, आप लोग किसी भी सेमेस्टर में हो, ठीक, आपको सेमेस्टर वाइज जो है वहाँ मिल जाएंगे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस पर जाकर के बाय करिएगा। अगर आप लोग जो है सेमेस्टर एग्जाम की सही तरीके से तैयारी करिएगा, अगर आप लोग नोट्स बनाए हैं या आपके पास कुछ है मटेरियल है या 22 सीरीज है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे नोट्स और 22 जो है सीरीज में बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक। अब इसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो इसके नोट्स भी मेरे ऐप से ही मिल जाएंगे आपको, चाहे आपको हिंदी में चाहिए, चाहे आपको इंग्लिश में चाहिए, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप लोग किसी भी सेमेस्टर में, चाहे 3 ईयर्स के किसी सेमेस्टर में या 5 ईयर्स के किसी सेमेस्टर में, ठीक। तो यही सब सारी जानकारी थी। अगर आपको ऐप पर जो है नहीं मिल पा रहा है मतलब ढूंढने में, तो आप लोग मुझे जो है बताइएगा, मैसेज करिएगा 7985535991 पर। आपको ऐप जो है इंस्टॉल नहीं होगा आपके फोन में, तो मैं आपको जो है वहां पर भी PDF सेंड कर सकता हूँ, ठीक। ज्यादा सुविधा कोई नहीं देने वाला है आपको, PDF कोई नहीं सेंड करता है, ठीक। ये सब सारी चीजें मैं आपके साथ कर सकता हूँ, इतनी हेल्प कर सकता हूँ, प्लस आपको एक गाइडेंस के तौर पर जो है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको पेपर में लिखना है, कैसे जो है आपको जो है क्वेश्चंस आंसर को जो है सही तरीके से ड्राइव करना है, राइट करना है, ये सब सारी चीजें मैं जैसे एग्जाम नजदीक आता है उसी हिसाब से मैं बताते जाता हूँ, हर सेमेस्टर में बताता हूँ, अब की बार भी बताऊंगा, परेशान नहीं होंगे, ठीक।
आज का वीडियो यहीं तक था। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, अधिकतर लोगों के बीच में शेयर भी करिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, टाटा टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।